व्हाट्सअप hey, एवरी everyone! आई नो यू आर हैंडसम यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर incredible. इसलिए आज ऐसे पांच टिप्स पे बात करने वाले हैं जो आपके बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करेगा फर्स्ट पॉइंट आई कॉन्टैक्ट योर आईज इज ब्यूटिफुल लेकिन जब बात आती है कम्युनिकेशन की तो आपको आंख में आँख डाल के बात करनी होगी इट डजेंट मीन कि आप आंख को लॉक कर दो नो यू हैव टू एंगेज विद अदर्स डोंट लुक हेयर एंड देयर बिकॉज इससे पता चलता है अगर आप कॉन्स्टेंटली उसके बाद एंगेज नहीं होगे तो इससे पता चलेगा कि आप अनकॉन्फिडेंट है और कुछ बात को हाइट कर रहे हो सेकेंड टॉक ऑन वॉकिंग जब आप बात कर रहे हो वॉकिंग के लिए तो इसमें दो तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट आपका हेड स्ट्रेट वे में होना चाहिए सेकेंड इंपॉर्टेंट शोल्डर शुड बी डॉन थर्ड इंपॉर्टेंट योर बैक शुड बी स्ट्रेट फोर्थ इंपॉर्टेंट आपका चेस्ट लिटिल फॉरवर्ड में रहना चाहिए डोंट बी टू फास्ट और डोंट बी सो स्लो इट शुड बी ए नॉर्मल एंड नेचुरल बी लाइक पॉस एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यस गाइस जब हैंड शेक की आप बात कर रहे हैं तो इसमें आपको नॉर्मल अंदाज के साथ लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए और जब मिलाते हैं हाथ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कुछ कन्वर्सेशन रखना होगा जैसे हेलो हाउ आर यू एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटिंग टू थिंग्स आर एयर एक बॉडी आपका क्लोज बॉडी होता है क्लोज बॉडी लैंग्वेज और क्लोज बॉडी पॉस्चर कहते हैं उसे ये इस तरह से दिस शोज दैट यू आर अनकॉन्फिडेंट एंड यू आर हैविंग सम फीयर एक बॉडी जिसमें बेसिकली ओपन बॉडी कहते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज ओपन बॉडी पॉस्चर उसमें आपको आराम से नॉर्मल तरीके से बैठना होता है जब वेन यू आर टॉकिंग टू सम वन थोड़े से बॉडी को बस जस्ट हैव ए लीन फॉरवर्ड एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्माइल यस गाइस स्माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चेहरे पे खुशी होना जरूरी है क्योंकि आप जिससे इंट्रैक्ट करने जा रहे हो अगर आप खुशी के साथ इंट्रैक्ट करोगे वो आपसे बात करने के लिए दिलचस्पी दिखाएगा अदरवाइज आप थोड़ा सा अकड़ू बने रहो नेवर नो वन वॉन्ट टू लाइक द अकड़ू पर्सन